अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नाज अकेडमी एजुकेशन। हम आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा साइंस सेकेंड है ना, 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर, आफत का हुस्न इंतज़ाम, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। यानी जो वीडियो आप देखोगे वो पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चन के आंसर बता देंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा जदोल मुकम्मल कीजिए। इसमें क्या है, आपको कुछ इसके हादसे के नाम दिए गए हैं और आपको कॉलम दिया गया है। पहला कॉलम में लिखा है आफत, दूसरे में लिखा है अलामतें, तीसरे में लिखा है इसरात, चौथे में लिखा है तदारिक। यानी ये चारों बॉक्स में आपको डालना है कि जो फॉर एग्जांपल सड़क हादसा, तो उस हादसा है तो आफत में आ गया, तो उसकी अलामतें क्या होती है वो लिखना है, फिर इसरात क्या है वो लिखना है, तदारिक क्या है वो लिखना है, यानी तदाबीर क्या है वो लिखना है। तो चलिए हम आपको फोटोज़ दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। पहला कॉलम में आफत का, उसमें लिखेंगे सड़क हादसा, दूसरा है अलामतें, तो अलामत है इसकी रास्तों पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों का हुजूम, इस रात कुछ लोग ज़ख्मी, गाड़ियों को नुकसान, अगर हादसा शदीद हो तो बहुत से लोग ज़ख्मी हो सकते हैं, कुछ लोग मर भी सकते हैं। तदारीक है, सबसे पहले रास्तों और जाए हादसे पर लोगों की भीड़ को हटाएंगे, ज़ख्मी लोगों की मदद करेंगे, पहले इब्तदाई तिब्बी इमदाद और फिर करीबी अस्पताल मुकम्मल इलाज के लिए ले जाएंगे। दूसरा है चट्टान का खिसकना, उसको आफत में लिखेंगे, उसके अलामतें हैं चट्टानों के खिसकने की शिद्दत का इनसार चट्टानों के मुकाम पर होता है, और इसका इसरात है अगर चट्टानों और पहाड़ों के करीब मुकाम या बस्ती हो तो आफत शदीद होती है और ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान होता है, अगर करीब से सड़क गुजरती हो तो ट्रैफिक में भी रुकावट आ सकती है, रेलगाड़ी की पटरियाँ करीब हो तो गाड़ियाँ के चलने में भी रुकावट आती है। तदारीक है, मुतल्लका महकमों को फौरन खबर दी जाए, इंतज़ामिया फौरी तौर पर हरकत में आता है, ज़ख्मियों को वहां से हटाकर तिब्बी इलाज के लिए रवाना किया जाता है। तीसरा है जंगल की आग, उसके है ना इस अलामतें हैं घने जंगलात में आग लग जाने पर दूर तक धुआं फैल जाता है, माहौल आलूदा हो जाता है, शदीद हरारत की वजह से दर्जा हरारत बढ़ जाता है, परिंदे और जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, तेज शोले दूर से नज़र आते हैं। उसके बाद है इस रात, तो इस रात है दरख्त घास के नबातात और ज़िद में आने वाली हर शे जल कर राख हो जाती है, कुदरती तौर पर आग लग जाती है, जंगलात में मौजूद नबातात के अलावा जानवर और परिंदे की मस्किन ख़त्म हो जाते हैं, माहौल आलूदा हो जाता है। इसकी तदारीक है, आग बुझाने वाले महकमों को फ़ौरन ख़बर दी जाए ताकि वह आग पर काबू पा लें, ज़ख्मी होने हो जाने वालों को तिब्बी इमदाद मुहैया कराई जाती है। नेक्स्ट है चोरी, आफत में आएगा चोरी, उसके बाद अलामतें में आएगा मकानात या दुकानों के ताले तोड़े हुए पाए जाते हैं, कीमती अशिया और रुपए चोरी हो जाते हैं, हर तरफ अशिया और सामान बिखरा हुआ पाया जाता है, इस रात है ज़बरदस्त माली नुकसान होता है, मुतल्लका अशख़ास ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और जज्बाती तौर पर ज़बरदस्त चोट पहुंचती है। नेक्स्ट है फसादात, आफत में आएगा फसादात, अलामतें हैं शहरों कस्बों और गांवों में किसी वजह से लोगों में तनाव का माहौल बन जाता है, लोग ग्रुप बनाकर निकलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं, इस रात है अक्सर फसादात में लोग एक दूसरे की जान लेने पर तैयार हो जाते हैं, आग जाती तोड़फोड़ और लूटमार होने लगती है, जायद दो इमलाक का नुकसान होता है, ख़ास तौर पर औरतें और बच्चे परेशान हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, कारोबार और दुकानें बंद हो जाती हैं, और इसकी तदारीक है, फसादात को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन पुलिस के साथ ताउन करके लोगों को समझाने की कोशिश की जा सकती है, महकमा कमेटी बनाकर अमन का माहौल कायम किया जा सकता है, बुज़ुर्गों और संजीदा लोगों की मदद से भाईचारे की फिज़ा कायम की जा सकती है। नेक्स्ट है जंग, आफत में आएगा जंग और अलामतें में आएगा, अक्सर दो ममालिक की सरहदों पर मुख्तलिफ तनाज़ों की वजह से कशीदगी की हवा मिलती है, दोनों ममालिक एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इस रात है दोनों मुल्कों के सरबराहान एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, दोनों जानिब के अवाम परेशानी और खौफ के माहौल में रहते हैं। तदारीक के दोस्त ममालिक की मदद से
मुल्क के सरबराहों की मुलाकात कराई जा सकती है। गलतफहमियां दूर करके दोस्ती का माहौल बनाया जा सकता है। जंग ना करने का अहद किया जा सकता है। नेक्स्ट है मर्ज की वबा। आफत में आएगा मर्ज की वबा। इसकी अलामतें हैं मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर अस्पताल और दवाखानों में एक ही किस्म के मर्ज में मुबतला लोगों की तादाद बढ़ जाती है। इस रात आएंगे लोगों की बड़ी तादाद एक मर्ज में मुबतला हो जाती है। ऐसे मर्ज आमतौर पर मुतदी होते हैं या पानी की आलूदगी की वजह से फैलते हैं। मर्ज की सही शनाख्त ना होने की वजह से बहुत से मरीज ख़त्म हो जाते हैं दवाखानों में, और दवा फर्दिशों की दुकानें में दवाएं ख़त्म हो जाती है। तदारीक आएगा बड़े पैमाने पर मर्ज से बचाव के टीके लगवाने का इंतज़ाम करना चाहिए। महफूज गिज़ा और महफूज पानी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखना चाहिए। लोगों को मर्ज से एहतियात बरतने की दरख्वास्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट है खुश्क साली। ये अलामतें हैं मामूल से कम बारिश की वजह से पानी के ज़खायर में पानी की सतह कम हो जाती है। घरेलू औरतों की दूर दूर से जाकर पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। इंतज़ामिया को टैंकर से पानी मुहैया करवाना पड़ता है। इस रात है ये आफत कहत और खुश्क साली कहलाता है। ऐसे हालात में फसलों को मुनासिब मिकदार में पानी ना मिलने से अनाज की पैदावार में कमी होती है। मवेशी भी पानी और गिज़ा की किल्लत से परेशान हो जाते हैं। तदारीक है बड़े पैमाने पर इंतज़ामिया को टैंकरों के ज़रिए पानी मुहैया करवाना पड़ता है। लोगों को पानी बचाव और ज़खीरा करने के तरीके बताए जाते हैं। खुशकशाली पानी की किल्लत दोनों एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट है माशी बंदी। आफत में आएगा माशी बंदी। अलामतें हैं इसकी कौवी मैशियत में ज़बरदस्त गिरावट, रुपये की कीमत में कमी, महंगाई में इजाफा, शेयर मार्केट में गिरावट। इसकी इसरात है मुल्क में गरीबी का इजाफा, अवाम की कुव्वत खरीद में कमी, तिजारत की सरगर्मियों में कमी, मुल्क की मैशियत के निज़ाम का लुढ़कना, ठीक है, लुढ़कना। और उसके बाद इसकी तदारीक है मुल्क में नौकरी के मौके में इजाफा करना, अवाम को तिजारत की फरों में मदद देना। नेक्स्ट है सैलाब। तो आफत में आएगा सैलाब। उसकी अलामत है नहरों, चश्मों और दरियाओं में पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा। इस रात है कम ऊंचाई वाले इलाकों में पानी का दाखिल हो जाना, मकानात और सड़कों का पानी में डूब जाना, अवाम का परेशान होना। इसकी तदारी के अवाम और पालतू जानवरों को निश्ती इलाकों से निकाल कर महफूज जगहों पर पहुंचाना, पानी की सतह मामूल के मुताबिक हो जाने पर वबाई बीमारी फैलने ना पाए, इस बारे में एहतियात बरतने की तलकीन। नेक्स्ट है कहत। आफत में आएगा कहत। अलामतें हैं मामूल के मुताबिक बारिश ना होना, नदियों और पानी के ज़खीरों की सतह में ज़बरदस्त कमी, पानी की किल्लत की वजह से ज़रात को नुकसान, ज़मीन की सतह का सूख कर तर्क होना। इस रात है पानी की किल्लत से लोग परेशान, ज़रात के नुकसान की वजह से अनाज की कमी, इंसान और मवेशी गिजाई किल्लत के शिकार, दीगर अशिया की कीमतों में इजाफ़ा, महंगाई में इजाफ़ा। उसके बाद तदारी के बाज़ मखसूस इलाकों में अक्सर पानी की ज़बरदस्त किल्लत रहती है। ऐसे इलाकों में पानी का इंतज़ाम करना, ज़रात के लिए ऐसी फसलों को उगाना जिनमें ज़्यादा पानी दरकार ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पहला सवाल का जो आंसर है वो सब ख़त्म होता है। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है नोट लिखिए। तो दूसरा है हमारा नोट लिखिए। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। अलिफ है आफत का हुस्न इंतज़ाम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जवाब है इसका ज़िले सतह पर आफत का हुस्न इंतज़ाम के लिए और आफत से निजात के मंसूबे पर अमल आवारी के लिए ज़िले के कलेक्टर जिम्मेदार होते हैं। राबता कार की हैसियत से अहकाम देना, अमल आवारी करना और इसके ताल्लुक से हासिल मालूम का मुसलसल जायज़ा लेते रहना, हालात पर काबू रखना, ऐसे तमाम कामों के लिए वो मुनासिब मनसूबा तैयार करने का काम करते हैं। हर ज़िले की हर किस्म की आफत के लिए मुनासिब मनसूबा तैयार करके ज़िला ई की सतह पर उसको मंजूर करवाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। कौमी आफत इंतज़ाम पर अमलदारी के सदर वज़ीर आज़म, रियासती आफत के हुस्न इंतज़ाम पर अमलदारी के सदर वज़ीर आला, ज़िले आफत के हुस्न इंतज़ाम पर अमलदारी के सदर कलेक्टर, तालुका आफत के हुस्न इंतज़ाम के अमलदारी सदर, तहसीलदार और देहात की सतह पर कमेटी सदर सरपंच होते हैं। आफत की सूरत में सामाजिक तंजीमें और साइंसी इदारे मदद फराहम करते हैं।
बे है आफत के हुस्न इंतजाम की नोयत। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते। आफत की नोयत दर्ज ज़ेल है। पहला, आफत का हुस्न इंतजाम यानी साइंस बारीक बीनी से मुशाहिदा करके और मालूम के तजुर्बे से आफत का मुकाबला करने की सलाहियत हासिल करना और उसमें वक्त बे वक्त इजाफा करना। दूसरा, जैसे इंसदादी मनसूबा तदारीक व बेहाली और तामीर नो जैसी चीज़ों की सोच समझ कर मनसूबा बंदी करना और तमाम इंतजाम करना यानी इसका हुस्न इंतजाम करना। तीसरा पॉइंट है, आफत के हुस्न इंतजाम के दो हिस्से किए गए हैं, एक आफत से कबल हुस्न इंतजाम, दूसरा आफत के बाद हुस्न इंतजाम। जी में फर्जी मश्क। पहला पॉइंट है, फर्जी मश्क या ड्रिल आफत आने की सूरत में तेजी से फौरन और कम से कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने का एक जरिया है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी आफत के ताल्लुक से रद्द अमल जांचने के लिए किसी आफत के आने से पहले की सूरत हाल की फर्जी हरकत की जाती है। तीसरा है, इसी वक्त आफत से बचने के लिए की गई मनसूबाबंदी के मुताबिक तमाम सरगर्मियों कामयाबी से हमकिनार होती हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए तरबियत याफ्ता इस खास तहफूज करदा सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। आफत से बचने के लिए क्या गया मैकेनिकी अमल कितना मौसर है ये देखा जा सकता है। चौथा पॉइंट है, पुलिस महकमा ने मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों के जरिए भी इस किस्म की सरगर्मियाँ ली जाती है। पाँचवा है, मसलन फायर ब्रिगेड टीम के जवानों की वस्ता से की गई स्कूल में आग लगने की फर्जी ड्रोल के जरिए बचाव के काम किए जाते हैं। छठा पॉइंट है, अगर मुस्तकबिल में हकीकत में कोई आफत आ जाए तो ही फर्जी मश्क उसका सामना करने के लिए कारामद साबित होती है, इसीलिए कहा जाता है कि फर्जी मश्क फ़ायदेमंद है। दाल है, आफत के हुस्ने इंतजाम का कानून 2005। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है, पहला पॉइंट है, हमारे मुल्क में आफत के हुस्ने इंतजाम का कानून 2005 में अमल में आया। दूसरा है, इस मकसद के लिए कौमी आफत ताउन फोर्स यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम 2005 में हुआ। कौमी आफत ताउन फोर्स NDRF का क़याम आफत के हुस्न इंतजाम कानून 2005 के तहत अमल में आया। इस फोर्स की टुकड़ियां फौज में काम करती है, पूरे मुल्क में इसकी 12 टुकड़ियां काम कर रही है। इसका सदर दफ्तर दिल्ली में, हर रियासत में ये फौज की मदद से काम करते हैं। महाराष्ट्र में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद से कौमी आफत ताउन फोर्स का काम जारी है। इस फोर्स में शामिल फौजी मुल्क भर में बादल फटने, चट्टान खिसकने, इमारत गिरने जैसी कई आफतों से बचाव और राहत के अजीम काम अंजाम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। तीसरे का अलिफ है, आफत के आने के बाद ज़िलाई आफत कंट्रोल रूम के किरदार की वजाहत कीजिए। जवाब है, पहला पॉइंट है, हर ज़िले में आफत की निगरानी करने वाला एक मखसूस सूबा होता है। दूसरा है, आफत आने के बाद या उस ताल्लुक से पहले से इतला मिलते ही ज़िले कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, आफत के ताल्लुक से जायजे और मालूमात हासिल किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, इजाफी मदद हासिल करने के लिए नेज उसको मुसलसल मुतहरक रखने के लिए मरकज़ और रियासत के मुख्तलिफ अजलन मसलन बहरी फौज, हवाई फौज, टीवी मौसिलात, पैरामिलिट्री फोर्स, नीम फौजी दस्ते से मुसलसल रबते में रहते हुए इमदाद तालिब करते हैं। बे है, दूसरी आलमी जंग के बाद इंसानी आफत में इजाफा होने की वजूहात बताइए। जवाब का पहला पॉइंट है, दूसरी आलमी जंग के बाद लोगों में भाईचारे और अमन के जज्बात की जगह खुदगर्जी और नफरत की जज्बात ले ली। दूसरा है, जुग्राफियाई, मजहबी, इम्तियाजी नस्लों वगैरह जैसी इंसानी आफात में इजाफा होने लगा। तीसरा पॉइंट है, नस्ल इम्तियाज़ और नफरत के जज्बात जिन्हें नाजी अज़्म ना हो भी कई ममालिक में इसके गहरे इसरात होने लगे। लूटमार, दहशतगर्दी, समाजी बेचैनी जैसे इंसानी आफात में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। चौथा पॉइंट है, जंग के आखिर में जापान पर एटम बम गिराया गया, इसका असर पूरे दुनिया के ममालिक में सेहत के मसले की सूरत में जाहिर हुआ। पांचवा पॉइंट है, माली नुकसान के सबब साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होने लगा। छठा पॉइंट, जंग के बाद भी कई ममालिक के दरमियान जंग जारी रही जिस वजह से जानी व माली का नुकसान हुआ। सातवा है, दहशत गर्दी में इजाफा होने लगा। आठवा, जोग्राफिया सरहदों में तब्दीलियाँ होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आफत के हुस्न इंतज़ाम के मकासिद क्या हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 113 पर है। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। आफत के हुस्न इंतज़ाम का मकासिद। पहला पॉइंट है, आफत के दौरान इंसानी समाज में होने वाले जानी नुकसान को दूर करना और उनका बचाव करना। दूसरा पॉइंट है, आफत ज़्यादा लोगों को मुनासिब तरीके से अशिया मुहैया करा के आफत की शिद्दत और आफत के बाद होने वाले दुख दर्द दूर करना। तीसरा पॉइंट है, आफत ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाकर उस इलाके की इंसानी ज़िंदगी की पहली हालत में ले आना। चौथा पॉइंट है, आफत ज़्यादा लोगों की बाज़ आबादकारी मुनासिब तरीके से करना। पाँचवा पॉइंट है, आफतों पर तख्ती तरीक़ों की मनसूबाबंदी करके मुस्तकबिल में ऐसी आफतों की ज़र्ब न पहुँचे या आफतें आएँ तो उनकी शिद्दत में कमी की फिक्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट है, आफत के दौरान आफत ज़्यादा लोगों की फौरी तौर पर मदद करनी पड़ती है। पॉइंट है, हालत को सुधारने की कोशिश करना। तीसरा पॉइंट है, दर्द से आराम हो जाता है। चौथा पॉइंट है, आफत से मुतासर की हालत बिगड़ने से रोकना। पाँचवा पॉइंट है, तिब्बी मदद से पहले इब्तदाई तिब्बी इमदाद की वजह से मुतासर लोगों की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफत से मुतासर मरीजों को ले जाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों। जवाब है इसका, आफत से मुतासर मरीज़ को ले जाने के तरीके दर्ज ज़ेल हैं। पहला पॉइंट है, पीठ पर लेना। मरीज़ अगर होश में हो तो ये तरीका बेहतर है। दूसरा है, झूले का तरीका, बच्चों और कम वज़न के मरीज़ों के लिए मुफीद है। तीसरा है, खींच कर या उठा कर ले जाना बेहोश मरीज़ को कुछ दूर ले जाने के लिए। चौथा पॉइंट है, इंसानी बैसाखी तरीका, एक पैर मुतासिर हो जख्मी हो तो दूसरे पैर पर कम से कम बोझ डालकर ले जाने के लिए। पांचवा पॉइंट है, चार हाथों पर बैठना, जब मुतासिर को कमर के नीचे के आज़ा को सहारा देने की ज़रूरत हो। छठा है, स्ट्रेचर, आफत के दिनों में अफरा तफरी और गड़बड़ी के वक्त हमेशा स्ट्रेचर दस्तियाब नहीं हो सकता। ऐसे वक्त मौजूद चीज़ों जैसे बांस, दरवाजे, ब्लैंकेट, चादर का इस्तेमाल करके स्ट्रेचर बनाएंगे। अगर इसमें अगर आपको और भी पॉइंट याद होंगे तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि यही लिखे, लेकिन ये छः पॉइंट मुझे मालूम था तो मैंने यही लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफत के हुस्न इंतज़ाम अथॉरिटी की तश्कील के तर्ज पर आप अपने स्कूल के लिए एक अथॉरिटी की तश्कील वाजी कीजिए। देखिए इसका आंसर है, मैंने खाका के ज़रिए समझाई हूँ। मैंने ब्लू पेन से आंसर लिखे और ब्लैक पेन से उसको डब बॉक्स बनाकर आपको एरो के निशान से समझाई हूँ, तो आप भी इसी तरह लिख लीजिएगा। राइटिंग अच्छी नहीं पर आई होप आपको समझ जाएगा। पांचवा आपका जो क्वेश्चन है, आपके तजुर्बे में आने वाली दो आफतों की वजूहत इसरात और किए गए इकदाम के बारे में लिखिए। आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, आप इसको लिख कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है, आप अपने स्कूल के लिए आफत के हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक से कौन कौन सी चीज़ों की जांच करेंगे, क्यों। जवाब है, आफत के हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक से दर्ज ज़ेल चीज़ों की जांच करेंगे। पहला पॉइंट, हर जमात में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है या नहीं। दूसरा पॉइंट, ज़रूरी बुनियादी दवाएं मौजूद है या नहीं। तीसरा पॉइंट, स्कूल के फ़ोन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। चौथा पॉइंट, छोटी जमात के बच्चों की मदद के लिए तरबियत याफ्ता टीम मौजूद है या नहीं। पांचवा पॉइंट, क्लास के मॉनिटर को फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में मालूमात है या नहीं। छठा पॉइंट, क्या स्कूल के अहाते में डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर मौजूद है या नहीं। सातवां पॉइंट, क्या स्कूल में पीने के पानी साफ है या नहीं। आठवां पॉइंट, क्या छुट्टी के बाद तलबा के स्कूल से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों और कॉरिडोरों की चौड़ाई मुनासिब है या नहीं। इनकी वजह है, इन चीज़ों की जाँच करने पर हम आफात के असरात को कम से कम कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, आफात की अकसाम पहचानिए। सातवें का पहला है, अलिफ, इंतहा पसंदी। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ मैंने इस रात भी बताई हूँ कि ये जो है कि किस किस्म का ये आफात है, और उसके साथ इस रात भी बताई हूँ कि उससे होने वाले कौन कौन से नुकसान होते हैं, कौन से इस क्या असर होता है हमारे माहौल पर, वो चीज़ें भी बताई हूँ, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में इस रात से जुड़े कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको पॉइंट पता हो तो। तो चलिए देखते हैं इसका है, इस क्वेश्चन का मतलब आफात की जो अकसाम पहचान, इसका पहला था अलिफ था इंतहा पसंदी, उसका आंसर है इंसान की पैदा करदा
जानबूझकर। इस रात है हम बम धमाके, दहशतगर्दी, बेगुनाहों की जान लेना, इखलाकी और सामाजिक गुनाह, इमारतों और यादगारों की बर्बादी, मजहबी मनाफरत, बहुत से इंसानों का जख्मी और अपाहिज होना। बे है ज़मीन की झींझ, किस्म है आफत की, अर्जी तबई आबो हवा और माहौलियात से ताल्लुक रखती है। इस रात है ज़मीन की झींझ से ज़रात और जंगलात को नुकसान पहुंचना, ज़मीन की ऊपरी जरखेज़ात की झींझ से जरखेज़ी में कमी, ज़रात का नुकसान, तेज़ हवा, पानी का तेज़ बहाव, मवेशियों का घास चरना, इन सब का असर ज़मीन की सतह पर पड़ता है। जीम है यरकान, आफात की किस्म है हैवानाती हयाती, बीमारी फैलाने वाले जरासीम। इस रात है वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ, जिसके जरासीम आलूदा पानी और ख़राब गिज़ा के बस होते हैं। जब ये बीमारी वबा की सूरत में फैलती है तो इस पर काबू पाना मुश्किल होता है। दाल है जंगल की आग, आफत के अकसाम है कुदरती, हयाती, नबाताती और इंसान के पैदा करदा। इस रात है हरारत, तेज़ हवा, खुश घास और पत्तियों में चिंगारी से आग लग जाती है। इस वजह से जो इलाका जल जाता है वो इलाके के जानवर मर जाते हैं। फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। हाँ है कहत, आफत की अकसाम है कुदरती, अर्जी, तबई, आबोहवा, माहौलियात। इस रात है कहत या खुश्क साली की वजह से पानी की किल्लत में ज़बरदस्त इजाफा होता है, किसानों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पानी न मिलने पर जानवरों की मौत वाकई होती है। कहत के साथ गर्मी भी बहुत पड़ती है, लोग दोनों की वजह से परेशान हो जाते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी और पॉइंट्स याद होंगे तो आप लिख सकते हैं। वाव है चोरी, आफत के अकसाम में इंसान की पैदा करदा। इस रात है जो शख्स चोरी का शिकार होता है वो अपनी मेहनत की कमाई से अचानक महरूम हो जाता है, ऐसा शख्स जहनी तनाव का शिकार हो जाता है।